हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? तो स्टूडेंट्स, हम लोग सभी जानते हैं कि कल 27 अगस्त को हमारे ऑब्जेक्शन सबमिट करने का लास्ट डे है, शाम के 5 बजे तक। आप लोगों के इस पेपर को स्टडी करने के बाद सोशल साइंस के अंदर इंडियन पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट में मुझे 5 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, जिनमें से कुछ क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स को ग्रेस मिलने के चांसेस है, और एक क्वेश्चन हिस्ट्री का है। तो टोटल 6 क्वेश्चन सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट, आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, ये मेरे पास जो पेपर है इस वक्त, वो आप लोगों का जो डी है, जो क्वेश्चन बुकलेट कोड डी है, वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों का चाहे कोई भी कोड था, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन चेक कर लेना। मेरे डी कोड में सबसे पहला क्वेश्चन है 21वां, जिसके ऊपर आप लोग ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। तो 21वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय, 21वां क्वेश्चन। तो जो 21वें क्वेश्चन का आंसर बोर्ड की तरफ से आया है हमारे सामने, वो गवर्नर है, जो कि 100% गलत है। इसका राइट आंसर आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये है जी सबसे पहला क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स का, जिसपे आप लोगों को ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 26वां, Which among the following is not true related to right to equality? Which among the following is not true? इनमें से कौन सा ठीक नहीं है समानता दे अधिकार नाल संबंधित? पहला कि it stand for equal protection under equal circumstances, कि भारत में सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी इक्वल सर्कमस्टांसिस में, तो ये इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है देश में, बिल्कुल ठीक है। एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी मनमाने वितकरे दी गैर हाजिरी, ये भी समानता को प्रमोट कर रहा है। इट प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल, स्टेट मतलब हमारा देश, भारत सरकार, राज्य सरकारें, ये राज अते व्यक्तियां द्वारा वितकरे वाले अभिभाषा नु रोकदा है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। हमारा देश भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, सभी को इक्वालिटी के साथ जो है वो रखेगा और सबको देखेगा, और कोई इंडिविजुअल भी भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी ऐसी कोई बातचीत करता है तो हमारे पास कानून है उसको रोकने के लिए, तो इसका ये आंसर भी बिल्कुल ठीक होगा। तो इन्होंने इसका 26वें का राइट आंसर सी दिया है, अकॉर्डिंग टू मी ये गलत है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है कि कोई भी व्यक्ति देश में कानून के ऊपर नहीं है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है आप सभी को इसके अंदर ग्रेस मिलनी चाहिए, ये भी आप लोगों को सबमिट करना चाहिए। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट्स? इंटर स्टेट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990, अंतरराज्य काउंसिल की स्थापना 1990 विच हुई। तो 1990 में आर्टिकल 263 के तहत हुई, सरकारिया कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी उसके अकॉर्डिंग हुई। इसकी पहली मीटिंग अगर हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि इन्होंने इसका जो आंसर दिया है वो 1996 दिया है, पर जहां कहीं भी इसको स्टडी किया गया है, इसकी पहली मीटिंग 10 अक्टूबर 1990 के अंदर ही लिखी हुई है। कि पहली मीटिंग कौन सी साल के अंदर हुई थी? 10 अक्टूबर 1990 में ही हुई थी। दूसरी मीटिंग 15 अक्टूबर 1996 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन के ऊपर भी आप लोगों का ऑब्जेक्शन जो है वो बनना चाहिए। बाकी आप लोग भी जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग भी इनको रिव्यू करो,
एक बार मैंने आपको 5 क्वेश्चन पॉलिटिक्स के और 1 हिस्ट्री का बताना है, सिर्फ 6 क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चंस को आप लोग भी देखना कि क्या ये 6 वाकई ठीक है या नहीं, क्या इन 6 में से कोई ऐसा तो नहीं कि बाय मिस्टेक मैं गलत बता रहा हूं आप लोगों को और शायद 4 ही हो, या इन 6 को छोड़ के भी कोई और क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन 33वें क्वेश्चन के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 42nd क्वेश्चन आता है। अब 42nd क्वेश्चन मैंने जितनी जगह कमेंट्स देखे, हर स्टूडेंट का, मैक्सिमम स्टूडेंट का इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन बनता है, ज्यादातर बच्चे, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत की अगर मैं किताब देखता हूं जो इंडियन भारत में राजनीति की एक स्टैंडर्ड बुक है, उसमें डाटा कुछ और है। अगर विकिपीडिया ऑनलाइन पे हम लोग चेक करते हैं 2009 आंसर है। तो अब पहली बात, इस 42वें क्वेश्चन में पंजाबी और इंग्लिश में क्वेश्चन की सेंस एक जैसी नहीं है। देखो इंग्लिश में क्या कहता है, वो कौन सा साल था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया नोटा को इन मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस। इसने ये नहीं पूछा कि पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया है। इंग्लिश में क्या कह रहा है, इंग्लिश में ये नहीं लिखा कि पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया, इन मोस्ट ऑफ द इलेक्शन। अब क्वेश्चन पूछने वाले की डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द इलेक्शन, पता नहीं ये किसको लेते हैं, 4 स्टेट को लेते हैं कि पूरे भारत को लेते हैं। क्वेश्चन ही एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट क्वेश्चन मतलब जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाबी में क्या बोलते हैं, चलो एज इट इज अगर पंजाबी में लिख देते तो भी मैं ठीक मानता, पंजाबी में कुछ और पूछ लिया, चोन कमीशन ने किस साल तो चोना विच नोटा लागू किया सी। देखो किस साल तो, पहली बार, यहां इसने कह दिया पहली बार, तो पहली बार तो 2014 नहीं है, ये तो 2014 से पहले आ गया था। इन्होंने आंसर इसका सी दिया है, बल्कि सी होना नहीं चाहिए, इसका आंसर भी 2013 दिसंबर 2009, ऐसे अलग अलग आंसर्स हैं। अब हम लोग इसका आंसर पंजाबी के अकॉर्डिंग करेंगे, इंग्लिश के अकॉर्डिंग करें, तो इसीलिए इस क्वेश्चन के ऊपर भी एक ग्रेस बननी जरूरी है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ और पूछ रहा है और पंजाबी में कुछ और? पंजाबी में पूछता है इलेक्शन कमीशन ने पहली बार लिखा नहीं, पर उसका मीनिंग यही है, चोन कमीशन ने किस साल तो चोड़ा विच नोटा लागू किया है, और इंग्लिश में पूछ रहा है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस में कब आया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पे भी स्टूडेंट आप लोगों की ऑब्जेक्शन ऑफ कोर्स बनती है। एक इस आंसर इस पेपर में एक क्वेश्चन और है, 60वां क्वेश्चन भी आप लोग देखो। 60वां क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल। तो अंतरराज्यीय परिषद जो है, जो स्टेट्स के कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी, समस्याओं को सुलझाएगी, राज्यों को ज्यादा पावर्स देगी, पावर्स को डिसेंट्रलाइज करेगी, ऐसी इंटर स्टेट काउंसिल, इन्होंने क्या आंसर दिया इस क्वेश्चन का, 60वां क्वेश्चन है ना, इन्होंने इसका आंसर दिया है जनता दल गवर्नमेंट। पर जनता दल गवर्नमेंट को लीड तो वीपी सिंह की सरकार ही कर रही थी ना, तो इसलिए वीपी सिंह और जनता दल गवर्नमेंट दोनों एक ही बात है, तो जनता दल पार्टी का नाम है, जनता दल को वीपी सिंह ही तो आगे लेके जा रहे थे, तो इसका आंसर अगर ए भी हो तब भी गलत नहीं है। तो इसलिए 60वां क्वेश्चन का ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर बनने चाहिए, जो कि इन्होंने इसका आंसर क्या दिया है, सिर्फ बी दिया है। तो मैंने आप लोगों को 7 टोटल 5 क्वेश्चन बताया राजनीति में, इन 5 क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को बताओ कि नहीं सर ये क्वेश्चन तो ठीक था, ये शायद आपसे गलती लग रही है, ये सही है, या सर इन 5 के सिवा एक पॉलिटिक्स में एक क्वेश्चन और भी है, हमें उसको भी कंसिडर करना चाहिए, तो आप लोग उसको भी कंसिडर कर सकते हो। अभी पूरा दिन पड़ा है आप लोगों के पास ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, आराम से कर सकते हो, कोई लंबी चौड़ी टाइम नहीं लगने वाला इसमें आपको। इससे अलग राजनीति में अपने हिस्ट्री के अंदर जब मैंने सतपाल सर से बात की, सतपाल सर ने सिर्फ एक क्वेश्चन ही मेरे को बताया है कि सर मेरा ये क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्शन बनता है, तो ये आप स्टूडेंट को बता सकते हो, वो उनका क्वेश्चन नंबर है 69, ये देखो ये क्वेश्चन है। तो यहां इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नेम द पास विच कनेक्ट काबुल टू पेशावर, तो इसका राइट आंसर सर ने बताया है डी आएगा खैबर, क्या आएगा डी आएगा खैबर, पर इन्होंने इसका सी दिया है। तो सर की तरफ से तो भाई आप लोगों के लिए एक ही क्वेश्चन आया है। अब आप सभी का अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर इसके लिए हम लोग
प्रूफ रीड क्या लगाएं। इस बार प्रूफ रीड बहुत से पेपरों में तो फोटो खींच के सबमिट हो जाती है किताबों की। इन्होंने कहा टाइप करके बताओ इसका रेफरेंस क्या है, तो मैंने उसके लिए 3 दिन पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि सावल क्लासेस का एक फेसबुक ग्रुप है, पंजाब टेट के स्टूडेंट्स ने वहां इतनी अच्छी डिस्कशन की, क्योंकि एक तो सिर्फ हम लोगों का दिमाग लगना दो जनों का, एक आप हजारों स्टूडेंट्स का उस पर माइंड लगना, आप लोग कोई हमसे कम थोड़ी हो। आप सब स्टूडेंट्स को कहा था कि उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करो, जितने क्वेश्चंस में आपको डाउट हो उसकी फोटो खींच के वहां सबमिट करो, आपके साथ के फ्रेंड सर्कल के दोस्त उसको जो है वो डिस्कशन करें, कोई प्रूफ आप लोगों को मिलता है तो आप लोग उसको सबमिट करो। अभी भी ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने उस ग्रुप को ज्वाइन करो, क्या प्रूफ अगर किसी को किसी किताब के अंदर फाइंड आउट होता है तो वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी वो जानकारी वहां पर शेयर करो आप लोग। तो ग्रुप का नाम है पीएस टेट स्टडी मटेरियल बाय सावल क्लासेस, और मेरी तरफ से भी अब अगर कोई और इंफॉर्मेशन होगी तो मैं इसी ग्रुप के अंदर सबमिट करके उस जानकारी को पिन कर दूंगा सबसे ऊपर ऊपर, ताकि आप लोगों को भी वहां से हेल्प जो है वो मिल सके। तो मेन इस वीडियो को बनाने का पर्पज था कि वो 6 क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि आप लोगों को ऑब्जेक्शन लगानी चाहिए, वो 6 क्वेश्चंस आप लोगों को बताए। अगर आपको लगता है कि 6 नहीं 4 है तो आप 4 पे लगाओ, अगर आपको लगता है कि 6 नहीं ये 8 है तो 8 पे लगाओ, जैसा आप लोगों को ठीक लगे उस चीज को जरूर फॉलो करो, और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करना अगर आपका कोई डाउट हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक, बाय।